कोरोना की इस गंभीरता के दौर में जबकि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए संघर्ष करते देखे जा रहे हैं, इसी समय वैक्सीन सेंटर्स पर ताले लटकने लगे हैं। जी हाँ, यह दृश्य है दिल्ली के तीरथ राम शाह हॉस्पिटल का। यहाँ लोगों को वैक्सीन दी जाती रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण अस्पताल को यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ गया है। जिस जगह पर अप्रैल महीने के अंत तक वैक्सीन लेने वालों की भीड़ रहती थी, वो जगह अब सुनसान और वीरान पड़ी है। वैक्सीन के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए की गई सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था भी धूल फांक रही है। तीरथ राम हॉस्पिटल की डिप्टी एमएस डॉक्टर शिल्पा पंडिता हमारे साथ हैं। मैम, कब से वैक्सीनेशन बंद है यहाँ पे और लोग आके कई लोग वापस भी जा रहे होंगे? फर्स्ट मई से वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में नहीं लग रही, बिकॉज जब 18 ईयर ग्रुप के अभाव के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका अनाउंसमेंट किया था वैक्सीन्स के लिए, उसके नेक्स्ट डे से ही हमारे यहाँ पर बंद हो गई। बिकॉज हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिली कि अब हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैन्युफैक्चरर से ख़रीदने होंगे। हमने सीरम इंस्टीट्यूट को, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी कोविशील्ड ही लग रही थी, तो हमने सीरम इंस्टीट्यूट को इसके लिए मेल भी किया है, उनसे बात भी चल रही है हमारी, बट क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अभी हो रही है, उनके पास कम है, तो उन्होंने हमें ये बोला कि अभी हमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं मिलने के लिए। 2 से 3 महीने बाद लगेंगे? हाँ जी, हमें यही लास्ट उनकी तरफ से रिवर्ट आया है, जो मेल मेरे पास उनकी तरफ से आई है। मैंने वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्स हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, उनसे मेरी पर्सनल बात हुई थी, उन्होंने भी हमें यही बताया कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी एज़ पर उनकी प्रायोरिटी जो है कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसके बाद फिर डिफरेंट जो छोटे गवर्नमेंट जैसे CHCs, PHCs वहाँ पर देना है, उसके बाद हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के पास आएगी। उस समय जब ये बंद हुआ था, जब भारत सरकार की तरफ से निर्देश आया कि वैक्सीनेशन को लेकर कि सरकार डायरेक्ट खरीदेंगी, तब आपके पास कुछ स्टोरेज रहे होंगे? जी सर, हमारे पास स्टोरेज थी, बट एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी हैड टू गिव देम बैक टू द गवर्नमेंट। आपके पास स्टोरेज थी, उसे सरकार को लौटाना पड़ा? हाँ जी, हाँ जी, हमें लौटाना पड़ा था। हमारे पास कुल 800 लोगों की डोज थी, बट हमें वो वापस देना पड़ा था एज़ पर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब हमें मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेने के लिए कहा गया था इंस्ट्रक्शन में। पर मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हम अभी जो हमारा प्रेजेंट जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारे पास, हमारे जो हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ को स्पीड अप करने की ज़रूरत है। जैसे कि वैक्सीन्स की डेवलपमेंट को स्पीड अप करने की ज़रूरत है, जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्केल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके बाद डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एज क्विकली एज पॉसिबल हमें करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कोरोना की लहर चल रही है, खतरनाक लहर चल रही है, हर दिन 300 से 400 लोग मर रहे हैं, सरकारों के पास भी वैक्सीन की कमी है। मुख्यमंत्री ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं और कंपनियों को दिया जाना चाहिए उसका फॉर्मूला। आपको क्या लगता है कि आप लोग के, क्योंकि यहाँ पे हम पहले दिन आए हुए थे जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी लोगों की, काफ़ी लोग अब भी लौट कर जा रहे होंगे? जी बिल्कुल, कई लोग जिनकी सेकेंड डोज थी हमारे पास, ड्यू थी हमारे हॉस्पिटल से, उनको भी हमें वापस लौटाना पड़ रहा है। दो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी करके हम उन्हें वहाँ भेजें, अपने हॉस्पिटल की तरफ से गाड़ी में उन्हें हम भेजते हैं, बट पॉइंट ये है कि जितना हमारे यहाँ पर, जितना जिस हिसाब का हमने 5,000 से ऊपर की वैक्सीनेशन पिछले 3 मंथ्स में की थी, तो हमें भी लगता है कि वैक्सीन जितनी हमें प्रोवाइड होगी उतना, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी ऑलरेडी बनी हुई है और अभी ये एक फर्स्ट ऑफ मई से ये बंद पड़ा है पूरा सेंटर हमारा, तो जितनी जल्दी हमें वैक्सीन मिलेंगी उतनी हम लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे इस एरिया के। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि WHO की जो एक गावी सोसाइटी है, जो कि पैंडेमिक इनोवेशंस और वैक्सीन्स में हेल्प करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहिए, एक मैपिंग करनी चाहिए जिससे कि लैब से पेशेंट तक ये कितनी जल्दी हम पहुंचा सके और इसको कैसे सक्सेस मिले, उस पर हमें सोचना चाहिए। तो एक तरफ आम लोग वैक्सीन के इंतज़ार में हैं, दूसरी तरफ ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर भी वैक्सीन के इंतज़ार में है, उस वैक्सीन के इंतज़ार में जिसे वर्तमान का वरदान कहा जा रहा है, लेकिन उसकी किल्लत कहीं ना कहीं वर्तमान समय की विपदा को, विभीषिका को बढ़ाती हुई दिख रही है। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।